जय हिंद गाइस, नाउ स्टार्ट आवर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स। अपनी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। अब इस कड़ी को आगे बढ़ाने के पहले एक कुछ बात करना हम जरूरी समझते हैं। जैसा कि सबको पता है, आईआईटी एग्जाम का रिजल्ट आउट हो गया है और जिन लोगों को सफलता मिली है उनके लिए बहुत बहुत तो हमारी शुभकामनाएं। लेकिन जो लोग सफल नहीं हो पाए हैं इस नेशनल एग्जाम में, उनको बहुत घबराने की जरूरत नहीं है। जो हो गया सो हो गया, बीत जाए उसको भूल जाना ही बेटर है। बट मैं ये बात कह रहा हूँ तो ये कहना तो बड़ा आसान है कि भूल जाना भूल जाए, आगे की सुध ले, आगे जो है उसकी सुध ली जाए, लेकिन दर्द रह जाता है। तो चलिए, यही दर्द की नाम, दर्द का जो यही जिंदगी है, क्या करना है भाई, भूलना तो पड़ेगा ही। आगे की जो जंग है फिर उसके लिए कमर कसनी होगी, तैयारी करनी होगी, फिर जुटना होगा, एक बार फिर जुटिए। यही तो जिंदगी है, गिरना उठना क्रम ही लगा रहता है, तो उस क्रम को तोड़ना नहीं है और नेवर गिव अप, कभी छोड़ना नहीं है। हौसले बुलंद रहने चाहिए। हो सकता है कि आने वाला कल आपका हो, और निसंदेह आने वाला कल आपका है, मायूस ना हो। तो हम अपनी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं, आते हैं देखते हैं। अगेन हमने एक रियल एनालिसिस का मार्वलस क्वेश्चन पिकअप किया हुआ है। वैसे इस साल जो आईआईटी एग्जाम का एग्जाम हुआ, रियल एनालिसिस का अच्छे क्वेश्चन बनाए गए थे। चलते हैं पहले क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन ये है, एमएसक्यू का क्वेश्चन है, एक से ज्यादा ऑप्शन से ट्रू हो सकते हैं। तो यस, क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सबसेट ऑफ आर इज आर कनेक्टेड। कौन से सबसेट आर के हैं जो कनेक्टेड हैं। तो इसके पहले कि मैं रिजल्ट की यहां बात कर दूं, रिजल्ट ये होता है कि सबसेट ऑफ आर अगर कनेक्टेड होगा इफ एंड ओनली इफ दिस सेट इज इंटरवल। ये रिजल्ट होता है कि सबसेट ऑफ आर इज कनेक्टेड, ये कनेक्टेड होगा इफ एंड ओनली इफ की कंडीशंस है वहां। सबसेट ऑफ आर इज कनेक्टेड इफ एंड ओनली इफ इट इज एन इंटरवल। उसको इंटरवल होना पड़ेगा। मतलब ये हुआ कि कोई सबसेट ऑफ जो रियल नंबर है वो कनेक्टेड तब होगा जब वो इंटरवल होगा। अगर वो इंटरवल है डेफिनेटली वो कनेक्टेड होगा, इफ एंड ओनली की कंडीशन है। और इस रिजल्ट इंटरवल और इस रिजल्ट पे ही क्वेश्चन को बनाया गया है। तो देख लेते हैं ऑप्शन क्या है। कह रहा है कि द सेट एक्स बिलोंग्स आर, एक्स इज रेशनल नंबर, क्या है कनेक्टेड है नहीं, क्योंकि रेशनल नंबर हमारा इंटरवल नहीं होता है, दिस इज नॉट ए इंटरवल, तो वो मेरा कनेक्टेड नहीं है, राइट। वैसे रियल नंबर जितने भी नंबर सिस्टम है नीचे, नेचुरल नंबर हो, इंटीजर्स हो, रेशनल नंबर हो, इरेशनल नंबर हो, दीज आर ऑल डिसकनेक्टेड, वो कनेक्टेड नहीं होते हैं। तो पहला ऑप्शन यूं ही कैंसिल आउट हो गया। अब सेकंड की बात कहाँ है कि द सेट कैसा है भाई, कि यक्स बिलोंग्स आर, हम उन रियल नंबरों की बात कर रहे हैं, कैसे रियल नंबर हैं जहाँ दैट क्वान्टिटी ग्रेटर दैन आर इक्वल टू जीरो। तो चलते हैं इसकी थोड़ी एनालिसिस कर लेते हैं कि ये सेट में, इस सेट में कितने नंबर्स आएंगे, कौन कौन से नंबर आएंगे। तो क्या है, x क्यूब माइनस वन ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो है। तो लिसनर इस चीज को ध्यान देंगे कि ग्रेटर भी है इज इक्वल जीरो है, दो इनक्वालिटी है। तो जब भी दो इनक्वालिटी हो तो इस इक्वेशंस को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं थोड़ा देखा जाए। इसका फैक्टर कर लिया जाए, इसका फैक्टर करेंगे तो x माइनस वन एंड नेक्स्ट, ये तो इजी फैक्टर है इसका, ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो। तो पहले इज इक्वल जीरो की मैथमेटिक्स देख लेते हैं। अगर ये जीरो है तो इसकी मीनिंग कि x माइनस वन जीरो होगा एंड x स्क्वायर प्लस x प्लस वन जीरो होगा। अच्छा, ग्रेटर देन जीरो है तो इसकी मीनिंग ये हो गई कि x माइनस वन ग्रेटर देन जीरो एंड x स्क्वायर प्लस x प्लस वन ग्रेटर देन जीरो। यहाँ जरा है, ये वर्ल्ड फेमस इक्वेशन है सेकेंड डिग्री का। अगर यहाँ से हम x की वैल्यू निकालते हैं तो क्या आएगा, माइनस वन प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, तो ये माइनस थ्री अपॉन टू ए, ये ओमेगा की जो गेम होती है ये है, ये वैल्यू है। मतलब दिस इज द कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब ये जो फैक्टर है अपने पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर रख रहा है, तो ये ग्रेटर देन जीरो की बात ही फिनिश हो जाती है, क्योंकि सबको पता है कॉम्प्लेक्स नंबर्स में ग्रेटर और लेस की इनक्वालिटी नहीं होती है। तो ये तो बात यहाँ फिनिश हो जाएगी, बट ये बात यहाँ होगी कि x के जो दो रूट्स होंगे वो मेरे कॉम्प्लेक्स नंबर हैं और x इज इक्वल टू वन है, लेकिन मुझे उन रियल नंबरों को तलाश करना है तो उन रियल नंबर में ये नहीं आएंगे। अच्छा, यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल टू वन और ग्रेटर देन जीरो है तो x ग्रेटर देन वन आ जाएगा। मीनिंग क्या होगी हमारी, कि
इस कंडीशंस को सेटिस्फाई करने वाला वो रियल नंबर होगा जो 1 है, तो 1 लिखेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, ठीक हो गया। अगर ग्रेटर देन 1 होगा तो ये दैट क्वांटिटी इज ग्रेटर देन 0। तो इस सेट को अगर मैं लिखूं तो इस सेट की मीनिंग क्या हो गई कि x बिलोंग्स r सच दैट x क्यूब माइनस 1 ग्रेटर देन r इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज r इज इक्वल की बात कर रहे हैं, क्या है 1 है और 1 से बड़े जितने सारे रियल नंबर हैं, तो दिस कर दीजिए 1 से बड़े सारे जितने रियल नंबर हैं उनको कैसे लिखेंगे भाई, 1 टू इन्फिनिटी, यहाँ क्लोज हो जाएगा क्योंकि यहाँ 1 है और दिस इज इंटरवल, ऑफ कोर्स दिस इज द इंटरवल। तो बाय दैट रिजल्ट कि अगर कोई सबसेट ऑफ आर इंटरवल है तो कनेक्टेड होता है, तो जो बी ऑप्शन होगा 100% राइट ईयर कि ये जो सेट होगा वो कनेक्टेड होगा। अब सी ऑप्शन की बात कही है, अगेन ये बात है यहाँ और एक बात यहाँ ये है कि x belongs r this greater than r equal to 0 ये कनेक्टेड है या नहीं, तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं क्या है कि थोड़ा हम ऑप्शन यहाँ इस डी की अगर मैं बात करूं तो इस इक्वेशंस को ये जो इनक्वालिटी है हमारी इसको बड़ा इजीली वे में सॉल्व किया सकता है। क्या है ये x cube minus 2x plus 1 greater than r equal to 0, तो x इज इक्वल टू 1 इसका एक रूट होगा, अगर देखा जाए तो 1 माइनस 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0 s। तो अगर मैं इसको x माइनस 1 से यहाँ डिवाइड कर दूं तो क्या आएगा, ये हो जाएगा x स्क्वायर x क्यूब माइनस x स्क्वायर, दिस माइनस एंड प्लस डिवीजन वाली, तो ये हो गया x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। अब यहाँ मेरा हो जाएगा कि प्लस x, तो दिस इज द x स्क्वायर माइनस x माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा माइनस x प्लस 1 एंड दिस रिजल्ट इज व्हाट माइनस 1, तो माइनस x एंड प्लस 1। तो इसका जो फैक्टर होगा वो ये होगा x माइनस 1 एंड x स्क्वायर प्लस x माइनस 1, दिस ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 की बात करनी है। तो यहाँ अगर इज इक्वल 0 की मैं बात कर लूँ तो x इज इक्वल टू एक 1 हो गया और दूसरा एक x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 0। अच्छा अगर इसको मैं सॉल्व करूँगा तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं आएगा, ये मेरा इरेशनल नंबर आएगा। तो हाथ कंगन को आरसी क्या सॉल्व करके देख लें, x इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट व्हाट बी स्क्वायर मीनिंग 1 प्लस 4 बाई 2, ये हो गया माइनस 1 प्लस माइनस रूट 5 बाई 2। इसको अगर सॉल्व किया जाए तो माइनस 1 प्लस माइनस, अच्छा एक बात और जो लिसनर्स इस वीडियो लेक्चर्स को बड़ा सीरियसली वॉच कर रहे हैं उनके लिए एक सोच है और सोच ये है, एक सलाह है ये कि रूट 2 रूट 3 रूट 5 रूट 6 की वैल्यू को याद कर लें, लॉग 2 लॉग 3 लॉग 5 लॉग 4 लॉग 6, अगर ये वैल्यू उनको याद है ना तो इस टाइप कॉम्पिटिशंस में जो है वो बड़ा टाइम की होने से बचाता है। जैसे देखा जाए अगर रूट 5 पता हो इसकी वैल्यू क्या है तो फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में ना आसानी होगी, मतलब जज करने में आसानी होगी। तो रूट 5 की वैल्यू हम क्या लिखते हैं 2.23 ऐसे समथिंग आता है, तो ये हो गया 0.2। तो अगर इसको सॉल्व किया जाएगा मैं प्लस लूँ तो ये हो जाएगा 1.23 बाई 2 और माइनस लिखेंगे तो माइनस 3.23 बाई 2। अच्छा 2 से अगर मैं इसको डिवाइड करूँ तो 0.61 समथिंग ऐसे आएगा और ये माइनस 1.6 समथिंग आएगा, ये होगा रियल लाइन पे आ जाते हैं। और यहाँ से एक x की वैल्यू 1 हो गई, तो ये हो गया 1 हो गया और ये इसको सॉल्व करने पे 0.61 हो गया और ये मेरी वैल्यू हो गई माइनस 1.6 हो गई। अब देखा जाए यहाँ इज इक्वल टू 0 होने पे तो तीनों नंबर मिल जाएंगे 3, तो एटलीस्ट ये होंगे। उसके बाद कहाँ है ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, तो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 का मतलब ये हो गया कि जब मैं इनका फैक्टर करूंगा तो ये भी ग्रेटर देन 0 और ये भी ग्रेटर देन 0 या ए लेस देन 0 या ए लेस देन 0, अगर ये दोनों फैक्टर्स लेस देन 0 हैं तो डेफिनेटली उनका प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 होगा। तो जब हम ये वैल्यू निकालेंगे ना तो वहाँ हमारी पहले तो 3 नंबर्स आ जाएंगे, उसके बाद जो मेरे होंगे वो इस टाइप के इंटरवल बनने लगेंगे, वो क्लोज है या ओपन है कोई बात नहीं, यहाँ ऐसे ए बी टाइप के बनेंगे, अच्छा इन्फिनिटी भी हो सकता है, यूनियन सी डी टाइप के बनेंगे। और मुझे पता है कि यूनियन इस टाइप का जो हमारा इंटरवल है उनका यूनियन इंटरवल नहीं होता है, ये ओपन सेट है क्लोज सेट हो बात अलग डिगर बात है, तो हम उस चीज को टॉपिक्स पे आएंगे डिस्कस करेंगे, बट दिस इज नॉट ये इंटरवल, दिस इज नॉट इंटरवल। और ये जो मेरा ऑप्शंस है जो मैं ऑप्शंस यहाँ
वो डी की मैं बात कर रहा हूँ, इस ऑप्शन से डी में इस टाइप के इंटरवल्स आएंगे जहाँ जिनको यूनियन लेना पड़ेगा। तो और इंटरवल का जो यूनियन होता है वो इंटरवल नहीं होता है, और आर का सबसेट कनेक्टेड वही होगा जो इंटरवल होगा, तो फिर ये इंटरवल नहीं देगा। तो डेफिनेटली वो चेक कर सकते हैं भाई, इजी ये ऑप्शन हमारा जो होगा कैंसिल हो जाएगा। अब सी ऑप्शंस की बात है, तो सी ऑप्शंस को अगर देखा जाए तो इसका रूट तो इजीली नहीं निकाल सकते। तो इसके लिए क्या है ट्रिक, ये है कि एफ ऑफ एक्स जो गिवन है वो एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस वन है, दिस अच्छा ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो है, तो थ्री है, तो कम से कम एक रियल रूट होगा इसका। अगर मैं इस ट्रिक को अप्लाई करूं या डैश एक्स निकालूं तो थ्री एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक्चुअल में क्वेश्चन इस पे डेवलप हुआ है, तो ये अगर देखा जाए तो दिस इज द ग्रेटर देन जीरो, एफ डैश एक्स थ्री एक्स स्क्वायर प्लस वन दिस इज द ग्रेटर देन जीरो, ऑलवेज फॉर ऑल एक्स कोई भी एक्स की वैल्यू लिखेंगे तो हमेशा ग्रेटर देन जीरो है। तो अगर फर्स्ट डिराइवेटिव ग्रेटर देन जीरो है तो हमेशा वो फंक्शन इंक्रीजिंग होता है, ऑलवेज दिस इज द इंक्रीजिंग। तो अगर कोई फंक्शन किसी इंटरवल में इंक्रीजिंग आ रहा है तो डेफिनेटली हमारे जो रूट्स होंगे उस रूट्स की एनालिसिस कैसे होगी जरा देखा जाए। अगर हम इसे थोड़ी बहुत ग्राफ की बात करें तो एफ डैश एक्स इंक्रीजिंग है और एक्स क्यूब है, क्यूबिक है, आर्ड ऑर्डर का जो पॉलीनोमियल्स होता है एटलीस्ट वन रियल रूट रखता है, तो कोई एक रियल रूट होगा कहीं भी होगा ये, और फंक्शन हमारा जो है इंटायर रियल नंबर में ये इंक्रीजिंग है, एटलीस्ट वन इसका रियल रूट है। तो मतलब क्या होगा फंक्शन का अगर हम इसको ट्रेसिंग करें तो कुछ ऐसा इसका नेचर होगा इस टाइप का, दिस इज द नेचर ऑफ दिस फंक्शन। अब मुझे ग्राफ की एनालिसिस थोड़ी करनी है, मुझे ये देखना है ना कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला वो कौन सा रियल नंबर है जो उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये कि ही यहाँ रूट्स होगा। उसके बाद सिंस फंक्शन इंक्रीजिंग है तो कभी आकर के एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करेगा, तो अगर कर्व एक्स एक्सिस को कभी इंटरसेक्ट नहीं करता है तो जो भी इक्वेशंस होगा जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हैव नो रूट्स, वो कोई रूट्स नहीं रहता, मतलब इसके पास केवल सिंगल एक ही रूट्स है जो भी मिलेगा और हैव ए रियल नंबर, उसके बाद इसके रूट्स मिलने वाले नहीं है। क्यों नहीं मिलेंगे भाई, क्योंकि फंक्शन इंक्रीजिंग है, इंटायर रियल नंबर में वो इंक्रीज कर रहा है और एक पॉइंट पे उसका इंटरसेक्शन होगा क्योंकि एटलीस्ट वन रियल रूट होगा, तो फिर ग्राफ का नेचर ऐसा होगा। अब ये चलेंगे तो वो इंक्रीज होता हुआ चला जाएगा, इन्फिनिटी पे चलेंगे तो फिर वो इन्फिनिटी की ओर टेंड होगा, और रूट्स इसके अलावा दूसरा होने के लिए इस ग्राफ को यहाँ कहीं ना कहीं कट करना होगा, जो कि असंभव है बाय दैट कंसेप्ट। इसकी मीनिंग क्या होगी, इसके पास केवल एक ही रियल रूट होगा, तो अगर वो रियल रूट मेरा ए है तो एक तो ए हो जाएगा, दूसरा ए ग्रेटर देन दिस तो ए एंड इन्फिनिटी ये बनेगा, और अगेन दिस इज द इंटरवल, और अगर सबसेट ऑफ आर अगर इंटरवल होता है तो बाई दैट रिजल्ट दिस इज द कनेक्टेड। तो यहाँ जो ऑप्शन सी है ये ऑप्शन भी एब्सोल्युटली राइट, ये राइट आफ्टर डी और ये मेरा कैंसिल हो गया, तो जो यहाँ ऑप्शन है बी और सी हमारा सही है। तो मुझे उम्मीद है इस क्वेश्चन के पीछे जो लॉजिक रही होगी दिस इज द क्लियर, ये कोई प्रॉब्लम नहीं रही होगी। अगर कोई प्रॉब्लम इस क्वेश्चन को लेकर है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम उसका बखूबी जवाब देंगे, कायदे से देंगे। इसके बाद नदर हम लोग क्वेश्चन पिकअप करेंगे, सॉल्व करेंगे, और लास्ट में अगेन बात करने जाएंगे कि अब जो हो चुका रिजल्ट एनालिसिस बस फिनिश हो गई, अब आगे के लिए अपनी रणनीति को कायदे से तैयार करिए। कभी हम लोग वीडियो लेक्चर्स में इस पर बहुत कायदे से बात करेंगे, कैसे हम लोग अटेंड करें, क्या करें, क्या ना करें। बहरहाल अभी वो तो सीरियस जितने क्वेश्चन इस ईयर के आए हैं सारे वो रियल एनालिसिस अन्य चीज़ के क्वेश्चन को सॉल्व करें और मैं भी सॉल्व करूँगा। तो थैंक यू वेरी मच गाइस, जय हिंद।